नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे परामर्शी समितियों को लेकर। पंचायत परामर्शी समितियों की बढ़ी जिम्मेवारी, अब उन्हें एक नया काम के लिए मिला है। बिहार में पंचायत चुनाव तय समय पर नहीं होने के कारण बिहार सरकार के द्वारा परामर्शी समितियों का गठन किया गया था, जिससे कि पंचायतों में विकास का कार्य सुचारू रूप से जारी रहे। बिहार में मानसून सक्रिय होने के बाद से लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में अब बिहार सरकार बाढ़ और कोरोना से बचाव को लेकर सतर्क हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के साथ ही अब जल संसाधन और पंचायती राज विभाग भी विशेष सतर्क हो गई है। पंचायत परामर्शी समितियों को निर्देश दिया गया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के मिलते ही तत्काल प्रशासन को सूचित करें। बाढ़ के दौरान महामारी से बचाव को लेकर भी विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों में तैनात अधिकारियों को निर्देश दिया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों में जन प्रतिनिधियों और ग्रामीणों को रातों में तटबंधों की निगरानी के लिए जागरूक करें। जल संसाधन विभाग द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पर पल पल की जानकारी मंगाई जा रही है। जिला, अंचल एवं पंचायत स्तर पर बाढ़ राहत कार्य के लिए नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है। यही नहीं, नोडल अधिकारियों का नाम, पता, दूरभाष यानी मोबाइल नंबर एवं फैक्स नंबर आदि सार्वजनिक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कोरोना संक्रमितों के बचाव को लेकर मोबाइल वैन के इंतजाम भी किए गए हैं। बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की ओर से बाढ़ से प्रभावित होने वाले सभी 28 जिलों के जिलाधिकारियों को अलर्ट किया गया है। वर्तमान में जिन 12 जिलों के लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं, वहां राहत बचाव तथा तटबंधों के जमींदारी बांधों की निगरानी कार्य से निवर्तमान मुखिया को भी जोड़ा गया है। ग्रामीणों ने भी तटबंधों पर नजर रखने की अपील की गई है। पटना, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी और सिवान में अधिक निगरानी हो रही है। आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित जिलों में अति संवेदनशील और संवेदनशील स्थानों की निगरानी बढ़ा दी गई है और एहतियात के तौर पर वहां खाली बोरे, लोहे की जाली, बोल्डर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति के दौरान तुरंत काबू पाया जा सके। बाढ़ से प्रभावित 12 जिलों के तटबंधों पर सभी अधिकारियों की ड्यूटी दिन रात लगाई गई है। इधर स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिलाधिकारियों और सिविल सर्जन को नाव के जरिए कोरोना का टीका लगाने, राहत शिविरों में कोरोना की जांच और प्राथमिक उपचार के अलावा संक्रमित लोगों की पहचान कर जिला अस्पताल में पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही एम्बुलेंस और मोबाइल वैन के जरिए भी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार में इस साल की शुरुआत में पंचायत चुनाव होना था, लेकिन देश में कोरोना काल होने के कारण पंचायत चुनाव नहीं हो सका और अब जब कोरोना के मामलों में कमी आई है तो बरसात का महीना शुरू हो गया है। ऐसे में अब चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव में देरी और पंचायतों में विकास कार्य में रुकावट ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए परामर्शी समिति का गठन किया गया है। तो ये थे परामर्शी समितियों को मिली नई जिम्मेवारी। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।